सनी देओल आजकल अपनी आने वाली मूवी गदर 2 को लेकर खासे एक्साइटेड हैं और एक्साइटमेंट की दूसरी वजह ये कि उनके बेटे करण देओल की मैरिज सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो चुकी है। इन दोनों इवेंट्स में सनी देओल के घर में खुशहाली का सब्जेक्ट आया हुआ है, लेकिन उनके परिवार में एक हिस्से में कलह भी है। बिकॉज जब उनके बेटे की मैरिज हुई तब देओल परिवार का एक दूसरा हिस्सा यानी हेमा मालिनी उनकी बेटियां अधूरे और एब्सेंट दिखे और मीडिया में काफी बयानबाजी हुई। कहा तो ये भी गया कि धर्मेंद्र ने पूरी कोशिश की थी कि हेमा मालिनी उनकी बेटियां आ जाएं अपने दामाद को लेकर, लेकिन सनी देओल की खास डिमांड थी कि अगर आएंगी तो सिर्फ ईशा देओल आएंगी, बाकी लोगों को अलाउ नहीं करते हैं। बिकॉज ईशा देओल अकेली उस परिवार के सदस्य हैं जो कि बचपन से सनी देओल के पास रही हैं, उनके सेट पर जाती थी, यहाँ तक कि वो अकेली मेंबर हैं दूसरी फैमिली से जो सनी देओल के धर्मेंद्र के घर में गई हैं और प्रकाश देओल से मिली हैं सिर्फ एक बार। इसलिए कहा जाता है कि सनी देओल काफी हद तक ईशा देओल को लाइक करते हैं और परिवार का सदस्य मानते हैं, लेकिन बाकी लोगों के बारे में वो चुप्पी साध जाते हैं। यानी एक तरह से अपनी बहन से प्यार है लेकिन सौतेली माँ से नफरत वाला इक्वेशन बन चुका सनी देओल का। लेकिन सनी देओल एक बात भूल जाते हैं कि बेटी से प्यार करके उसकी माँ से नफरत करने से ना तो परिवार एकजुट होता है ना ही हो पाएगा। इसलिए उन्होंने बुलाया तब भी ईशा देओल नहीं आई, और जब धर्मेंद्र ने माफी मांगी इंस्टाग्राम पर रोए इमोशनल हुए तब अकेली ईशा देओल थी जिन्होंने कहा कि मेरे डैडी सबसे बेस्ट हैं, और अकेली ईशा देओल थी जिन्होंने करण देओल की मैरिज को लेकर एक इंस्टाग्राम पर बधाइयों वाला बयान दिया, जबकि देओल परिवार की दूसरी फैमिली से कोई बयान ऐसा नहीं आया। इसी तरह जब हेमा मालिनी की बेटियों की शादी हुई थी ईशा आहना की, तब धर्मेंद्र के परिवार से कोई नहीं गया था, धर्मेंद्र गए थे, और जो बहन का भाई का रोल होता करने वाला प्ले, वहां पर ईशा देओल के साथ अभय देओल ने सारे रिचुअल्स को प्ले किया था। ऐसे में ईशा देओल किस मुंह से आती है सनी देओल के घर में? अब ये बात सनी देओल को समझने की जरूरत है कि जब परिवार एकजुट होना चाहता है, धर्मेंद्र भी अपने परिवार को एक साथ देखना चाहते हैं, तब सनी को बॉबी को थोड़ा अपने मन की कड़वाहट दूर करनी चाहिए और पुराने गिले शिकवे भूलकर परिवार को एकजुट करना चाहिए। बिकॉज हेमा मालिनी ने कभी भी इस पारिवारिक गरिमा को तोड़ा नहीं है, हमेशा दूरी बनाकर रखी है। सनी देओल की मुलाकात हेमा मालिनी से एक दो दफा हुई है, लेकिन उसके बावजूद दोनों के बीच में ना तो कोई तलखी की बात आती है ना ही किसी तरह का कंट्रोवर्शियल बयान आता है। ऊपर से धर्मेंद्र भी चाहते हैं कि परिवार एक हो जाए, तभी अपने दामादों से माफी मांग रहे हैं, उनकी बेटी भी चाहती है कि यहाँ इस परिवार में एंट्री हो जाए, प्लस प्रकाश देओल भी हेमा मालिनी के बारे में गलत बयान नहीं करती है। इशारे हैं कि देओल परिवार एक साथ हो जाएगा तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, वरना धर्मेंद्र अपने आखिरी समय में इस तरह के दुख वाले बयान पोस्ट डालते रहेंगे। धर्मेंद्र इमोशनल मिजाज के इंसान है, जब शायरी करते हैं ड्रिंक करते हैं तो काफी हद तक वो ये बात बोल जाते हैं, लेकिन सनी देओल काफी होश में रहने वाले इंसान है। वो इस बात को नहीं भूलते हैं कि उनकी माँ बहुत साल तक दुखी रही बिकॉज धर्मेंद्र ने एक दूसरे परिवार में मैरिज की, निकाह किया और अपने परिवार को छोड़ दिया। हालांकि धर्मेंद्र एक अच्छे पिता बनकर रहे हैं जो कि प्यार दिखता है, लेकिन एक पति के तौर पर काफी फेल रहे हैं। लेकिन सनी देओल की जो स्ट्रेटजी है, बेटी से प्यार यानी बहन से प्यार और सौतेली माँ से नफरत, ये भी किसी भी तरीके से लॉजिकल, एडॉप्टेबल, एडजस्टेबल नहीं है।